दोस्तों आईपीएल की एक टीम की फ्रेंचाइजी बिकती है 7000 करोड़ रुपयों में और आईपीएल जीतने पर उसे मिलते हैं सिर्फ 20 करोड़ रुपए। और कमाल की बात यह है कि फिर भी लोग आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आईपीएल की टीम ओनर्स पैसे कैसे कमाते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। आज पूरी दुनिया में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा क्रिकेट फैंस मौजूद हैं, जिसमें से 90% सिर्फ भारत में ही है। BCCI आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कुछ सालों पहले तक कहानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। 2017 में भारत ने दुनिया का सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसने आने वाले सालों में क्रिकेट की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया। और क्रिकेट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए IPL ने ग्लैमर और क्रिकेट को साथ में मिला दिया। इससे हुआ ये कि जो लोग क्रिकेट ज्यादा देखना पसंद नहीं करते थे, वो भी अपने चहेते एक्टर की वजह से आईपीएल को देखने में इंटरेस्ट लेने लगे। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जो हर साल लाखों और करोड़ों रुपए में कमाती है, लेकिन फिर भी BCCI उस पर टैक्स पे नहीं करती। आईपीएल के टोटल रेवेन्यू में से आधे से ज्यादा रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट राइट के थ्रू आता है। टीवी चैनल्स इन एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए BCCI को पैसे देते हैं। 2008 से लेकर 2017 तक सोनी ने 8200 करोड़ रुपए देकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे। उसके बाद 5 सालों के लिए स्टार ने यही राइट्स 16370 करोड़ रुपए में खरीदे, यानी कि अब हर साल के लिए स्टार 4 गुने ज्यादा पैसे दे रहा था। अब 2022 के बाद मुकेश अंबानी ने 23758 करोड़ रुपए में स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं, और आने वाले टाइम्स में ये नंबर्स और भी ज्यादा बड़े होते जाएंगे। ये सारा पैसा BCCI खुद अपने पास नहीं रखता, बल्कि ये पैसा टीम्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि जितना ज्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर BCCI कमाती है, उतना ही ज्यादा टीम को भी पैसा मिलता है। पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स 7000 करोड़ के लिए और गुजरात टाइटन्स 5200 करोड़ के लिए BCCI ने ऑक्शन की थी। एक टूर्नामेंट जहां पर विनिंग अमाउंट सिर्फ 20 करोड़ रुपए हो, ये प्राइस उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2009 में जहां हर टीम की एवरेज वैल्यूएशन लगभग 550 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, वो आज 8000 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है, क्योंकि टीम का फोकस प्राइज मनी पर नहीं होता, बल्कि एक्सपोजर पर होता है। हर टीम का पहला टारगेट यही होता है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा इस टूर्नामेंट में बनी रहे, क्योंकि टॉप 4 टीम को बाकी टीम से ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलता है, और ज्यादा मैचेस का मतलब है ब्रांड के लिए ज्यादा एक्सपोजर। किसी भी टीम की जर्सी को देखिए, वो लोगों से हमेशा भरी पड़ी रहती है, और एक बड़े ब्रांड का मेन स्पॉन्सर बनने के लिए ब्रांड 100 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार होता है। और फिर इन ब्रांड्स के अलग अलग एड्स में क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े स्टार भी फीचर होते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, और इन अर्निंग में से 80% टीम का होता है और 20% BCCI का होता है। और टाटा ने भी 2 सालों के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 670 करोड़ रुपए दिए थे। हर मैच के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए के टिकट भी बिकते हैं, जिनसे टीम और ग्राउंड दोनों ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी BCCI टैक्स नहीं भरता। अब इतना ज्यादा रेवेन्यू और इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद भी BCCI टैक्स पे क्यों नहीं करता? देखिए, BCCI एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद है क्रिकेट को प्रमोट करना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 12 कहता है कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि टीम्स और टीवी चैनल्स टैक्स जरूर पे करते हैं, लेकिन BCCI जो कुछ भी कमाती है और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उसका यूज करती है, तो उस पर टैक्स नहीं बढ़ती। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जो हर साल लाखों करोड़ रुपए में कमाती है, लेकिन फिर भी BCCI चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों है? तो इसका भी एक रीजन है। आज की तरह पहले क्रिकेट में पैसा नहीं हुआ करता था, इसे लोग एज ए वो भी खेला करते थे। वो बैंक और रेलवे में जॉब भी किया करते थे और साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। तब क्रिकेट में कोई भी करियर नहीं हुआ करता था। आज प्लेयर 10 और 20 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। क्रिकेट की सिचुएशन तो जरूर बदली है, लेकिन टैक्स में BCCI को मिलने वाली सहूलत आज तक नहीं बदली। इस चीज को लेकर BCCI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच केस भी हुआ था, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि BCCI सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि एंटरटेन भी करती है, तो इस पर टैक्स लगना जरूरी है। लेकिन BCCI ने कहा कि हम तो बस क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, और फाइनली डिसीजन BCCI के हक में ही आया, जिसमें कहा गया था कि स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव तरीके लाने में कोई गलत बात नहीं है और इस पर टैक्स नहीं लगेगा।